What's up guys, welcome back to the channel Vlogging Winds। और भाई आज है वेडनेसडे और वाइजर खोल लेता हूँ। आज है वेडनेसडे और अभी मैं हूँ रांझी में। तो अभी मैं आया था अपनी दीदी के यहाँ एंड यहाँ आके मुझे याद आ गई हमारे रेहान भैया की, जिनकी V4 का मैंने रिव्यू किया था। तो बस उन्हीं के पास चल रहा हूँ, पहले डलाता हूँ पेट्रोल, तो वीडियो आगे बने रहो। और आज मैं GoPro लाना भूल गया था, तो व्लॉग ही मिलेगा आपको, तो वीडियो में आगे बने रहो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। भैया से ही मिलेंगे थोड़ी सी, रांझी एक्सप्लोर करेंगे, तो चलते हैं उनके रिठौरी। यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर होगा, 4-5 किलोमीटर। तो चलते हैं, सबसे पहले फ्यूल अप कराते हैं। यार मतलब व्यू देखो भाई, एक बार यहाँ का व्यू चेकआउट करो आप लोग भाई। और अभी आने वाला है बहुत शानदार सा ब्रिज, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यार मैं GoPro नहीं लाया, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं ब्लॉग के पर्पज़ से आया नहीं था, लेकिन मेरे को अब आ गया हूँ ना मैं, और सामने आपको वो ब्रिज दिख रहा होगा। और भाई व्यू तो आपको बहुत प्यारा मिल रहा होगा। तो गाइस आ गए हैं, यहाँ से हम लोग जाते हैं कैलाश धाम, लेकिन हम लोग को सीधा जाना हम लोग को सीधा इसलिए जाना है क्योंकि रियांश भैया ने बोला था रिठौरी गांव सीधा पड़ता है। और भाई एक बार ये वाला व्यू आप लोग चेकआउट करो गाइस, मतलब बहुत प्यारी सी लोकेशन है। तो चलो देरी नहीं करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और मेरे को एक दो जगह पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं रिठौरी ऐसे आया नहीं हूँ कभी, तो भाई तबीयत भी सही नहीं है, तो चलो चलता हूँ फटाफट से। तो गाइस अभी मैंने 2-3 लोगों से पूछा है, वहाँ पर आपको कैलाश धाम ऊपर दिख रहा होगा, तो भाई यहाँ से मुझे बताया गया है कि राइट जाना है एंड उसके बाद राइट लेना है, फिर कोई मैदान पड़ेगा। रियाज भी नहीं है, मुझे वही लोकेशन बताई है, तो चलो फटाफट से लोकेशन में चलते हैं, फिर आपको रियाज भी से मिलवाते हैं। बोलो बोलो तो गाइस रियाज भी है यहाँ से अपने, सर जी हमारे व्लॉगर। और भाई गाड़ी देखो कितनी प्यारी बना के रखे हैं, कहाँ चलना अपन को, चलते हैं चलो ठीक है। तो दोनों बीस्ट हमारे पास है, और रियांश भैया की डोरीमी, इनने अपनी R15 V4 का नाम डोरीमी रखा है, बहुत ही प्यारा नेम है। और भैया को देख लो, जल्दी आ यार भाई कहाँ है और अपनी महबूबा तो भाई हमेशा अपना साथ देती है। तो बस और भैया के फ्रेंड वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, और भैया कोई अच्छी सी लोकेशन पे ले जा रहे हैं, तो वहाँ चल के शूट करते हैं। और भाई गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और मैं एक चीज़ और बता दूँ भाई, इसका मीटर और बैटरी इश्यू पता नहीं क्यों हो रहा है, तो उसको मैं बहुत जल्दी शोरूम पर दिखवा दूँगा। चलो तो वीडियो पर आगे बने रहो, और आपको दिखाता हूँ कि क्या अमेजिंग लोकेशन रियांश भैया ले जाने वाले हैं अपन को। और भैया का चैनल किस नेम से है, ये अपने चैनल का नेम बता दो। मेरे चैनल का नाम है मिस्टर जबलपुरिया 23। मिस्टर जबलपुरिया 23 यहाँ पे भी लिखा है, इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से। तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भैया को। भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने जब एग्जॉस्ट लगवाया था तब मैंने इसका फुल सिस्टम पूरा, मतलब फुल सिस्टम बोले तो हेडर से लेके बैंड पाइप पूरा इसका देखा था, तो मेरे को उस टाइम कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिला था, तो मैंने इसको कटवा के मतलब इसको डीकेट करवाया था यहाँ से, तो ये मैंने अच्छा सा डीकेट करवा दिया था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कट के वेल्ड हुआ है, मतलब बहुत फिनिशिंग से काम हुआ था जहाँ से मैंने कराया था। और मैंने कल एक पल्सर 150 देखी, तो अब जब मैंने कराया था तब तो नहीं आया था, लेकिन अब भाई पल्सर 150 के लिए भी फुल सिस्टम फ्री फ्लो बैंड पाइप आने लगा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उस पर अपग्रेड कर दूँ और ये वाला बैंड पाइप को निकाल के रख दूँ, क्योंकि
भाई इस पे लगा है कैटलेटिक जो कि साउंड को दबा रहा है और मतलब एयर का जो फ्लो रह रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। तो बस अब मैं सोच रहा हूँ कि बैंड पाइप पे अपग्रेड कर दूँ। तो पहले तो मैं इसमें कोई अच्छा सा रैप करवाने वाला हूँ, रैप करवाने के बाद इसको कराऊँगा मैं फ्री फ्लो। भाई अभी हम लोग हैं लाल पुल पे जिसको हैमिल्टन ब्रिज बोलते हैं, वहाँ पे खड़े हैं रियांश भैया, वहाँ पे एक और V4 खड़ी है अपनी और वहाँ पे अपनी महबूबा। तो यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ JBP स्काई व्लॉग के साथ, तो जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन? यहाँ से चल रहे हैं एक काली मंदिर है, वहाँ पे बहुत अच्छी रोड है, वहाँ पे बाइक का तुम रिव्यू करोगे। तो रैप का आपकी सफेद डोरीमी का। तो भाई ब्यूटीफुल बीस्ट के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। और भैया अब जा रहे हैं अपने घर अपना डीप पर्पल 14 प्रो मैक्स लेके। और भैया भी आज आए थे, भैया आपका नाम क्या था? निहाल। और भाई अपना भाई ने हमारी भी रील शूट कर दी थी। ये भाई की इंस्टाग्राम आईडी है तो भाई को जाके फॉलो कर लो। मुझे जरूर सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना गाइस, बाकी मत करना। नहीं भैया वीडियो बहुत अच्छे बनाते हैं। 23 तो आईडी वहां पे सामने लिखी है। ये लो एक और बार दिखा देता हूं और मैंने बीच में भी दिखा दिया था। तो भैया के इंस्टाग्राम को ही फॉलो करो और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करो। बाकी भैया की बाइक तो देखी हो आपने कितनी शानदार है और ये वाली V4 भी बहुत शानदार है, बस अभी इसमें क्विक शिफ्टर निकला हुआ है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड कमेंट और फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय बाय।